अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से। बात करेंगे इंडिया के लिए स्पेशल फ्लाइट्स के बारे में। अक्टूबर 1 से अक्टूबर 24 तक 45 फ्लाइट जो हैं वो मस्कत से जाएंगी इंडिया के लिए और 24 शहरों के लिए। मस्कत से 45 फ्लाइट जाएंगी इंडिया के 24 शहरों के लिए और 1 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक उनका स्केड्यूल है। स्केड्यूल क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। 1 अक्टूबर को फ्लाइट है मस्कत से दिल्ली। मैं नाम बताऊँगा, सारी फ्लाइटें मस्कत से ही हैं। 1 अक्टूबर को एक फ्लाइट दिल्ली के लिए है, दूसरी फ्लाइट त्रिवेंद्रम के लिए है, तीसरी फ्लाइट बंगलोर के लिए है, चौथी फ्लाइट कन्नूर के लिए है, कोची के लिए। 2 अक्टूबर को एक फ्लाइट मुंबई के लिए, फिर दूसरी कलकत्ता के लिए और तीसरी कोची के लिए। फिर 3 अक्टूबर को चेन्नई के लिए एक फ्लाइट है, दूसरी फ्लाइट लखनऊ के लिए, लखनऊ एंड दिल्ली टुगेदर। फिर तीसरी फ्लाइट कन्नूर के लिए है 3 अक्टूबर को और चौथी फ्लाइट 3 अक्टूबर को त्रिवेंद्रम के लिए है। 4 अक्टूबर को एक फ्लाइट दिल्ली के लिए है, उसके बाद दूसरी फ्लाइट जो है विजयवाड़ा के लिए है हैदराबाद, उसके बाद तीसरी फ्लाइट 4 अक्टूबर को वो है, सॉरी 4 अक्टूबर को सिर्फ 2 फ्लाइट हैं, एक दिल्ली के लिए दूसरी हैदराबाद के लिए विजयवाड़ा। फिर 5 अक्टूबर को कोई फ्लाइट नहीं है, 6 अक्टूबर को सिर्फ एक फ्लाइट है वो है चेन्नई के लिए, 7 अक्टूबर को 2 फ्लाइट हैं, एक मुंबई के लिए और दूसरी तिरुचिरापल्ली के लिए। जो शुरू शुरू में तिरुचिरापल्ली मुझे बोलना नहीं आता था। 8 अक्टूबर को जो है 3 फ्लाइट हैं, एक फ्लाइट जो है विजयवाड़ा हैदराबाद के लिए, दूसरी दिल्ली के लिए और तीसरी मुंबई के लिए। 9 अक्टूबर को जो है 3 फ्लाइट हैं, एक मुंबई के लिए, कलकत्ता के लिए और तीसरी कोची के लिए। 10 अक्टूबर को 2 फ्लाइट हैं, एक चेन्नई के लिए, दूसरी त्रिवेंद्रम के लिए। 11 अक्टूबर को है जी एक फ्लाइट दिल्ली के लिए, दूसरी फ्लाइट कोची के लिए। 12 अक्टूबर को सिर्फ एक फ्लाइट है मस्कत से कलकत्ता के लिए। 13 अक्टूबर को भी एक ही फ्लाइट है मस्कत से चेन्नई के लिए। 14 अक्टूबर को 2 फ्लाइट हैं, एक मुंबई के लिए, दूसरी तिरुचिरापल्ली के लिए। उसके बाद 15 अक्टूबर को जो है 2 फ्लाइट्स हैं, एक दिल्ली के लिए, दूसरी त्रिवेंद्रम के लिए। उसके बाद आगे जी 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर को 2 फ्लाइट हैं कन्नूर कोची के लिए और एक मुंबई के लिए। उसके बाद 17 अक्टूबर को 2 फ्लाइट हैं चेन्नई के लिए, एक और दूसरी त्रिवेंद्रम के लिए। 18 अक्टूबर को 2 फ्लाइट हैं, एक दिल्ली के लिए, दूसरी त्रिवेंद्रम के लिए। 19 अक्टूबर को कोई फ्लाइट नहीं है और 20 अक्टूबर को एक फ्लाइट है मस्कत से चेन्नई के लिए। 21 अक्टूबर को 2 फ्लाइट हैं, एक चेन्नई के लिए, दूसरी मुंबई के लिए। सॉरी 21 अक्टूबर को 2 फ्लाइट हैं, एक मुंबई के लिए, दूसरी तिरुचिरापल्ली के लिए। 20 अक्टूबर को सिर्फ एक फ्लाइट है वो है चेन्नई के लिए। उसके बाद आगे जी 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर को 2 फ्लाइट हैं, एक दिल्ली के लिए, दूसरी विजयवाड़ा हैदराबाद के लिए। 23 अक्टूबर को सिर्फ एक फ्लाइट है मस्कत से मुंबई के लिए और 24 अक्टूबर को मस्कत से चेन्नई के लिए। ये 45 फ्लाइट 1 अक्टूबर से 24 तक। 1 से 24 तक क्यों? ओमान एयरपोर्ट का प्लान है 1 से 24 तक का, पहला जो इनिशियल फेज उन्होंने चलाना है 1 से 24 तक। उसके बाद 24 के बाद माइट बी देर विल बी डिफरेंस और सॉरी देर विल बी चेंज, क्योंकि फ्लाइट ऑपरेशन में चेंजेस आएंगी। हो सकता है मजीद फ्लाइट जो हैं वो चलाई जाएँ, क्योंकि ओमान की जितनी भी ओमान एयरलाइन और सलाम एयर की वीकली 2 फ्लाइट होंगी। इसके अलावा जो दूसरी फ्लाइट्स हैं ऑपरेशन है वो भी 1 वीक में 2 फ्लाइट जो हैं वो जा सकेंगी हर डेस्टिनेशन के लिए। सो जैसे ही मजीद एयरलाइन का फ्लाइट्स का जो इशू होता है, ओमान एयर अपने मजीद डेस्टिनेशन के लिए फ्लाइट्स का जो शेयर करती है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट करें और कमेंट का रिप्लाई अगर ऑन टाइम या थोड़ा डिले हो जाए तो प्लीज़ बी पेशेंस, बहुत सारे कमेंट्स का जवाब देना होता है। इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर और भी और इंसान की अपनी खुद की भी जो जिम्मेदारियाँ वो भी पूरी करनी होती हैं। सो इंशाल्लाह खैर, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।